हैं आप लोगों की और क्या राजमहल कैसा बनाना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश देश की दशा और दिशा तय करता है और कल श्री राजपूत करणी सेना के 12 वर्ष, इन दोनों के संयोग पर हम तीन प्रमुख मुद्दों पर लखनऊ, आरक्षण की समीक्षा जो मोहन भागवत कहते हैं, जो भैया जी जोशी कहते हैं, जो दत्तात्रेय होस बोले कहते हैं, हम आरक्षण की व्यवस्था में जो सामाजिक समरसता का ताने बाने को विखंडित करने का एक षड्यंत्र जो रचा जा रहा है उसके शुद्धिकरण का भी प्रयास कर रहे हैं, जो सेडुटाइब एक्ट के नाम पर अभी हमें देखने को मिला, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग, धारा 370 सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग, पद्मावत वाला मामला भी सुप्रीम कोर्ट के दखलंदाजी के कारण शायद हम 6 राज्यों में ही रोक पाए। सेडुकास्ट वाले एक्ट में इतनी कहाँ जल्दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर तय करें, राम मंदिर नहीं तय कर सकते। और राम मंदिर वाले मामले में हमने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है कि हम भगवान श्री राम के वंशज हैं, हमें एक पार्टी माना जाए। सौभाग्य से न तो हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है और अभी तक एक्सेप्ट भी नहीं हुई है, जैसे पिछली सारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी वैसा भी नहीं है। और हम चाहते हैं, पिछले 25 वर्ष से ये बात चल रही है, जब भी साधु संतों से मिलता हूँ, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, और नेता लोगों से मिलता हूँ तब आवाज़ उठती है कि रामलला हम आएंगे मंदिर नहीं बनाएंगे, एक झांसा फिर दे जाएंगे। हम चाहते हैं कि भगवान श्री राम किसी मंदिर में जन्मे होंगे, इतने गरीब दर्शन जी और कौशल्या जी नहीं थी, एक भव्य राजमहल में जन्मे होंगे, और हम क्योंकि उनके वंशज हैं, सुप्रीम कोर्ट में, भारत सरकार में, राज्य सरकार में, सभी सामाजिक संगठनों से अपील करते हैं, राजमहल बनाने वाले मामले में हमारा साथ और सहयोग दें।